अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अल्टो कैट एन ओल्ड मॉडल की वीडियो। हाय फ्रेंड्स, ये अल्टो कैट एन ओल्ड मॉडल है, ये हिमाचल से आए हैं भाई हमारे पास में। इसका जो बोनट पे देख सकते हो आप, बोनट पे कुछ इस तरह से रंग उड़ चुका है। पिछले साल पेंट कराई थी फ्रेंड्स ये कस्टमर ने हमारे, पिछले साल कहीं वर्कशॉप में काम कराया था इसका। ये देख सकते हो बोनट पे किस तरह से रंग उड़ चुका है, फेंडर पे भी रंग उड़ चुका है इसका। ये देखिए इधर से पूरी गाड़ी पे मिट्टी तो इतनी बुरी हालत से चिपकी हुई है। रेन बोर्ड देख सकते हो आप कितना ख़त्म हो चुका है रेन बोर्ड, कुछ ज़्यादा ही लिंक रोड में मतलब के दिक्कत है। वो हिमाचल में पत्थर होते हैं उस कारण से रेन बोर्ड नीचे डैमेज ज़्यादा होता है। मिट्टी देखिए आप फ्रेंड्स, मिट्टी तो बहुत बुरी हालत से चिपकी हुई है गाड़ी पर। ऐसी लग रही है गाड़ी जैसे कि सालों से धुलवाई भी नहीं फ्रेंड्स। पिछला बम्पर हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स। डिग्गी पे से भी ये पेंट उड़ चुका है, ये देखिए आप छोटे छोटे डैमेज भी है इसमें। जो डैमेज है छोटे छोटे, हम उसको प्रॉपर डेंटिंग करेंगे रेती के साथ और ठप्पे के साथ में, उसको प्रॉपर डेंटिंग करके निकालेंगे फ्रेंड्स। वो आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। कुछ इसी तरह से इधर भी क्वार्टर पैनल पर राइट साइड के ये देखिए रंग फेड हो चुका है, बोर्ड दोनों साइड से ख़त्म हो चुके थे इसके। ये देख सकते हो आप रिन बोर्ड, मिट्टी देखिए फ्रेंड्स कितनी है मिट्टी इसमें, इसका बुरा हाल है, रंग फेड हो चुका है। ये सिल्वर कलर की है फ्रेंड्स। बोनट पे छत पे देखिए आप, ये देखिए छत पे कितनी बुरा हाल से फेड हो चुका है पेंट। आप वीडियो में दिख भी रहा होगा आपको, देखिए ऐसा हो रहा है जैसे कि पेंट का कोई डिजाइन बना दिया गया है। कुछ इस तरह से फेड हो चुकी है गाड़ी पूरी। ये हल्का मटेरियल यूज़ होने के ऊपर गाड़ी का कुछ इस तरह से कारण हो चुका है। इसके कब्जे भी आवाज़ कर रहे हैं बोनट के, हम उन कब्जों को ही रिपेयर करेंगे। ये अब हम बम्पर खोल रहे हैं फ्रेंड्स। इसका बम्पर खोल के हम साइड में रख देंगे। ये देखिए अब हम हेडलाइट भी खोल दी जाएगी, इसकी हेडलाइट भी खोल के साइड में रख दी जाएंगे। डेंटिंग का काम और वीडियो का काम मुझे ही संभालना पड़ता है। कुछ इस तरह से हम डेंटिंग करने लगे हैं अब। ये देखिएगा डेंटिंग करने के बाद बिलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी गाड़ी पर इसी तरह से डेंटिंग होगी फ्रेंड्स। ये फेंडर का गैप बंद है अपना, गैप भी इसको ओपन करेंगे कुछ इस। फ्रेंड्स अब हमारी डेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। ये देखिए डेंटिंग का काम कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारा रेन बोर्ड जो था वो भी हमने निकाल दिया है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप थोड़ा सा ये यहाँ पर इसमें होल है, ये हम वेल्डिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसको गैस वेल्डिंग से प्रॉपर कर देंगे। बाकी डेंटिंग का काम पूरी गाड़ी पर इस तरह से हो चुका है कम्प्लीट। ये देख सकते हो क्वार्टर पैनल पे, दरवाजे पे, जहाँ जहाँ हमारे रेक माल बिलेट मारा है हमने, वहाँ वहाँ डेंट थे गाड़ी के अंदर। कुछ इस तरह से पूरी गाड़ी डेंटिंग हो चुकी है। ये डेंटिंग ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिग्गी पे भी डेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे भी डेंटिंग भी इसमें यहाँ पे भी कम्प्लीट हो चुकी है। मिट्टी देखिए कितनी मिट्टी है, मिट्टी तो ऐसी लग रही है जैसे राजस्थान में गाड़ी चल के आई है फ्रेंड्स। ये अब हम इधर भी फ्रेंड्स,
यहाँ क्वार्टर पैनल में डेंट था, ये भी निकाल दिया हमने। इधर ये रैम बोर्ड में डेंट है, वो भी निकाल दिया है फ्रेंड। इधर फेंडर में भी डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है पूरी गाड़ी कुछ। ये पेंट का काम संभाला है महिपाल उस्ताद जी ने। ये उस्ताद जी कभी हंस भी ले आया करो। ये देखिए कुछ इस तरह से अब हम प्लास्टर पट्टी पूरी गाड़ी पे लगाएंगे। पाल्ले की प्लास्टर पट्टी है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाता हूँ। पाल्ले कंपनी की प्लास्टर पट्टी है, ये आप देख सकते हो पाल्ले कंपनी की प्लास्टर पट्टी है जो हम गाड़ी पे इस्तेमाल करेंगे। कुछ आप देख सकते हो बोनट पे तो बिल्कुल ही फेड हो चुका है। अच्छा छत इसकी बिल्कुल जमा ही ख़राब है। अच्छा छत बोनट पर बिल्कुल जमा ही ख़राब है। कुछ इस तरह से प्लास्टर पट्टी भरी जा रही है, जहाँ जहाँ हमने डेंटिंग की है वहीं वहीं प्लास्टर पट्टी भरेंगे। Yeah.